वेलकम क्लास सिक्स सकीना पब्लिक स्कूल। सकीना पब्लिक स्कूल के बच्चों, हम अपने क्लास में जो फिजिक्स का बुक है उसका चैप्टर टू मेजरमेंट चल रहा है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, उसके बाद तीसरा नंबर है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम ही हमने आपको बताया था कि टाइम है क्या। तो हमने ये बताया था कि टाइम जो है वो कोई दो इवेंट्स जो एक समय में नहीं हो रही हैं के बीच में जो गैप है उसको हम टाइम कहते हैं। यानी इसको अगर हम डेफिनेशन बताएं, द टाइम इज द गैप बिटवीन द टू इवेंट्स विच आर नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ जो नहीं हो रही है। तो इस टाइम को मेजर करने के लिए जो हमारी एमकेएस सिस्टम में यूनिट है वो है सेकंड। सेकंड स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी बड़ी यूनिट भी हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए हमने कल बताया था कि अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम किसी की उम्र जानना चाहें तो हम उस एज को हम ईयर्स में बताते हैं, 20 साल का है, 15 साल का है, 8 साल का है। और अगर हम कुछ चीज़ों में, ये तो सालों में हमने बता दी, कुछ चीज़ों को हम दिन में बताते हैं। हम कहते हैं कि हमारा एक हफ्ता जो है वो 7 दिन का होता है, तो दिनों का भी इस्तेमाल करते हैं, डेज। तो ईयर्स हो गई, डेज हो गए, और कल हमने बताया था। और उसके बाद कुछ चीज़ें घंटों में भी होती हैं, जैसे एक दिन बराबर 24 घंटे का होता है। हम कहते हैं हमारा स्कूल जो है 6 घंटे चलता है या 7 घंटे चलता है, तो हम घंटों का भी इस्तेमाल करते हैं, आवर्स। और उसके बाद हम मिनट का भी इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं हमारा पीरियड जो है, एक पीरियड हमारा 35 मिनट्स का है। और हम सेकंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि सारा काम जो है वो सेकंडों में हो गया, बहुत कम छोटा सा है जिसको हम कहते हैं छोटा, स्मॉल गैप इज मेजर्ड इन सेकंड्स, उससे बड़ा मिनट्स में, उससे बड़ा दिनों में, दिन में, घंटों में, उसके बाद दिनों में, और उसके बाद सालों में, और उससे बड़ी यूनिट भी है सदियां, सेंचुरीज भी हैं। तो इस तरह से एक साल को अगर हम तोड़ें तो 365 दिन बनते हैं, एक दिन को अगर हम तोड़ें तो 24 घंटे बनते हैं, और एक घंटे को अगर हम छोटा करें तो फिर 60 मिनट बनते हैं, और एक मिनट को अगर छोटा करें तो 60 सेकेंड्स बनते हैं। तो इस तरह से हम टाइम हमारे पास नापने के लिए यूनिट्स हैं, और सारी यूनिट को, चाहे वो ईयर का हो स्मॉल वाई, चाहे वो डे का हो स्मॉल डी, चाहे वो आवर का हो स्मॉल एच, और चाहे वो मिनट का हो एम आई एन स्मॉल एम स्मॉल आई स्मॉल एन, और चाहे वो सेकेंड का हो स्मॉल एस, सारे डिनोशन जो है स्मॉल लेटर से, लोअर लेटर से लिखते हैं हम लोग। और इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ परफेक्ट डिवाइसेस रहती हैं, जिनको हम क्लॉक्स या वॉच के नाम से जानते हैं। क्लॉक्स आमतौर पर ये दीवारों पर फिक्स कर दी जाती हैं, और इनको देखकर समय बता देते हैं। ये डिवाइसेस जो हैं वो एब्सोल्यूट टाइम बताती हैं। तो दीवारों पे लगने वाली क्लॉक, वॉल क्लॉक्स हो सकती हैं, और मेज पे रखने वाले टाइम पीस भी इस्तेमाल होते हैं, और हाथों में बांधी जाने वाली घड़ियां जो है, रिस्ट वॉचेस भी इस्तेमाल होती हैं, पोर्टेबल है, आप इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं, जेब में रखने वाली घड़ियां भी होती हैं। इसके अलावा टाइम, कभी कभी टाइम को मेजर करने के लिए एक घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर कोई इवेंट होने वाला है, कोई स्पोर्ट होने वाला है, तो उस स्पोर्ट में हम एक वॉच का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं स्टॉप वॉच। तो अलार्म क्लॉक्स भी हैं, हमको अगर रात में किसी वक्त उठना है तो हम एक अलार्म का वक्त जो है
फिक्स कर रहे थे, उस वक्त वो घंटी बजा के आपको जगा देगा। तो इस तरह से अलार्म वॉचेस का भी इस्तेमाल होता है। और आपने पुरानी घड़ियाँ देखी होंगी, उनकी शक्ल जो है कुछ के बीच में एक चीज आपने हिलती हुई देखी होगी, पेंडुलम कहते हैं उसको। और घड़ी में लगने वाला पेंडुलम जो है वो सेकेंड्स पेंडुलम कहलाता है। और ये देखा गया है कि पेंडुलम का जो मूवमेंट है, यानी इसका जो इसका यहां से यहां आना और यहाँ से वापस यहाँ तक आना, ये 2 सेकेंड में होता है, 2 सेकेंड। और इसीलिए इसका नाम भी सेकेंड्स पेंडुलम है। ये 2 मिनट में एक ऑसिलेशन पूरा कर लेता है, इसे ऑसिलेशन कहते हैं। ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 1, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 2। ये अपनी मीन पोजीशन से जब हम इसको चालू कर देते घड़ी को, तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में झूलता रहता है और ऑसिलेशन पूरा करता है। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक और दूसरी से वापस पहली एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में ये एक ऑसिलेशन पूरा करता है। और इस ऑसिलेशन में इसका टाइम होता है 2 सेकेंड्स। तो टाइम इसमें कई चीज़ें हैं जो आप आगे चल के जानेंगे।